Assalamu alaikum. Bacho, awaaz aa rahi hai? Can you hear me? Okay, great. Sure. Wonderful. थोड़ी सी डिस्टॉर्शन रहेगी यार, एक्चुअली ये बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, बट आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा आई माइट स्पीक लाउड एंड क्लियर ताकि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सही पहुंचे. ओके, कॉन्टिंजेंसी थ्योरी आज स्टार्ट करनी है हमने. हमने अपनी स्टाइल थ्योरीज पांचों डिस्कस कर ली थी. स्टाइल थ्योरीज में हमने लिपिट एंड वाइट का मॉडल पढ़ा था, हमने ब्लेक एंड मुटॉन को डिस्कस किया था, हमने टेनेनबाम एंड श्मिट को डिस्कस किया था, हम लोगों ने एशरिज को डिस्कस किया और रेंसेस लाइकर्ट को डिस्कस किया. एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल थेरीज हैं विदाउट मच एम्बिगुटी और विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस. तो इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, टुडे वील बी स्टार्टिंग विद द थर्ड स्कूल ऑफ थाट. पहला स्कूल ऑफ थाट हमने पढ़ा एंड दैट वॉज ट्रेट थेरीज का. दूसरा हमने स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा, दैट वाज ऑफ स्टाइल थ्योरीज. और अब हम तीसरा स्कूल ऑफ थॉट आज डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज. ये जो स्कूल ऑफ थॉट है तीसरा कॉन्टिंजेंसी थ्योरीज का, ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी लीडरशिप जो स्टाइल होता है दैट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन द सर्कमस्टांसेस. कॉन्टिंजेंसी का वर्ड तीन दफा डिस्कशन में आया है सो फार. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी यूज दिस वर्ड इन द फर्स्ट चैप्टर, हमने इस लफ्ज को पहले चैप्टर में डिस्कस किया. फॉर द नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस दिस वर्ड इन द थर्ड चैप्टर, जब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, वहाँ हमने डिस्कस किया हेनरी मिंट्सबर्ग के मॉडल को, हमने एक्सप्लेन किया कॉन्टिंजेंसी थ्योरी के परस्पेक्टिव में, और हमने बर्न एंड स्टॉकर के मॉडल को एक्सप्लेन किया इन द परस्पेक्टिव ऑफ कॉन्टिंजेंसी थ्योरी. तीसरी दफा अब ये वर्ड आ रहा है आपके सामने in this chapter where we believe that there is no one best way to lead. Style theories kisi na kisi ek style ko best kehti hain. Style theories ke mutabik ek style jo hai wo leader ka best style kehlata hai. For example, Lippitt and White ke mutabik democratic style best hai, Blake and Mouton ke mutabik participative jo team management style hai wo best hai. From the perspective of Ashridge, consulting style best hai. From the perspective of Likert, participative style best hai. लाइकर्ट ने कहा था कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है ये आइडियल होता है फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस. द वर्ड कॉन्टिंजेंट का मतलब है दैट द मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. लीडर का जो बेस्ट पॉसिबल स्टाइल होगा वो सिचुएशनल होगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. जैसे तीन थेरीज हैं इसमें, फीडलर मॉडल है, हर्शियन ब्लैंकेट है और चार्ल्स हैंडी बेस्ट फिट अप्रोच है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर्शी एंड ब्लैंकर्ट अभी तक पेपर में दो दफा आ चुकी है, फीडलर पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, हैंडी पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया. ये दो थेरीज ऐसी हैं जो अभी एग्जाम में टेस्ट होनी बाकी हैं. आपकी अटेम्प्ट के लिए फीडलर मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. आपकी जो अटेम्प्ट है इसके लिए फीडलर मॉडल जो है दैट इज गोइंग टू होल्ड सम स्पेशल इम्पॉर्टेंस. ठीक है, फीडलर के ऊपर BCBS में क्वेश्चन आ चुका है. ओके फ्रेड, अच्छा इन सारी थेरीज के बैकएंड पे कॉन्सेप्ट वही चलेगा, अथॉरिटेटिव या डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन या डेमोक्रेटिक, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर टास्क, कॉन्सेप्ट वही चलेगा इन सारी थ्योरीज के बैकएंड के ऊपर. हाँ, लेकिन इसमें जो एक वैल्यू एडेड फिनोमेना है वो ये है कि वो जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कंसर्न फॉर टास्क हो या कंसर्न फॉर पीपल हाई हो, दैट वुड बी कॉन्टिंजेंट अपॉन द सिचुएशन. फीडलर मॉडल सिचुएशन को अपने हिसाब से डिफाइन करेगा, हर्शी एंड ब्लैंकर्ट सिचुएशन को अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे. इनकी जो सिचुएशन है वो वेरी करेगी, द सिचुएशन विल वेरी. तो फ्रेड फीडलर जो है इसने कहा था कि 1960s में इसने ये मॉडल प्रेजेंट किया था, इसके मुताबिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो दो किस्म के होते हैं. एक लीडर होता है टास्क ओरिएंटेड और एक लीडर होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड. These can be compared with Blake and Mouton's concern for task and concern for people. तो phenomena वही चलेगा. लेकिन Fiedler ने interestingly एक ऐसा system develop किया था जिसके through पहले हम ये मालूम करते हैं कि leader का inbuilt style क्या है, leader task oriented है या people oriented है. इसके लिए इन्होंने एक questionnaire बनाया था जिससे वो LFC कहते हैं, least favorite co-worker scale. ये questionnaire है
ये क्वेश्चनियर आप किसी भी मैनेजर से फिल करवा के उसका बेसिक स्टाइल मालूम कर सकते हैं कि वो बंदा टास्क ओरिएंटेड है या जो या वो बंदा पीपल या रिलेशनशिप ओरिएंटेड। इसे कहते हैं LFC। तो बेसिकली फीडलर के मॉडल में तीन काम है। पहला काम टू मैयर द बेसिक स्टाइल ऑफ द लीडर, टू मैयर द डिफॉल्ट स्टाइल ऑफ द लीडर, एक लीडर का डिफॉल्ट स्टाइल क्या है। और इसको मैयर करने के लिए एक LFC स्केल क्वेश्चनियर अवेलेबल है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन ये 16 सवालों का स्केल है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 16, इट्स अ स्केल ऑफ 16 क्वेश्चंस। और इन 16 सवालों के जवाब के बाद आप मेजर कर लेते हैं कि वेदर अ लीडर इज टास्क ओरिएंटेड और ही इज पीपल और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। वंस डन दैट, अब आप दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। अब आप आते हैं सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिंजेंसी थियरीज, तो कॉन्टिंजेंसी थियरीज जो है दैट विड बी बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो इसने कहा था कि लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस है वो एक तो उसके स्टाइल पर डिपेंड करती है और दूसरा वो स्टाइल किस हद तक मैच करता है सिचुएशन के साथ। टू व्हाट एक्सटेंट द स्टाइल मैचेस द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फ्रेड फीडलर वर्क सिचुएशन के तीन फैक्टर्स होते हैं। फ्रेड फीडलर के मुताबिक वर्क सिचुएशन जो है इसके तीन फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है, द फर्स्ट फैक्टर ही टॉक्स अबाउट इज लीडर मेंबर रिलेशन। पहला फैक्टर ये डिस्कस करते हैं लीडर मेंबर रिलेशनशिप। लीडर मेंबर रिलेशन की दो एक्सट्रीम्स होती हैं, देयर आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप। किसी भी गिवन सिचुएशन में लीडर का अपने मेंबर के साथ रिलेशन कैसा है, किसी भी गिवन सिचुएशन में लीडर का अपने मेंबर के साथ किस किस्म का रिलेशन है। लीडर मेंबर रिलेशन दो किस्म के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर मेंबर रिलेशनशिप। लीडर मेंबर रिलेशन कैन बी गुड और इट कैन बी बैड, ठीक है। लीडर मेंबर रिलेशन बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। दूसरी जो डायमेंशन ये डिटरमिन करते हैं, द सेकेंड डायमेंशन दे टॉक अबाउट इज टास्क स्ट्रक्चर। गिवन टास्क जो है वो कितना स्ट्रक्चर्ड है, जिस सिचुएशन में आप डील कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स को, जिस टास्क पे आपने सबॉर्डिनेट्स को लगाया हुआ है वो टास्क कितना स्ट्रक्चर्ड है, मींस कितना क्लियरली डिफाइंड टास्क है। इसकी भी दो एक्सट्रीम्स है, टास्क कैन बी हाईली स्ट्रक्चर्ड और टास्क कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड। इसकी भी हम दो एक्सट्रीम्स डिफाइन करते हैं, टास्क ईदर टास्क इज हाईली स्ट्रक्चर्ड और टास्क कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड। टास्क या हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा या टास्क अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। और तीसरी डायमेंशन जिसके ऊपर हम बेस करते हैं वो है पोजीशन पावर। किसी भी गिवन सिचुएशन में लीडर के पास कितनी पावर है, पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, पावर टू यू नो गिव ऑर्डर्स टू अदर्स। एट टाइम्स लीडर के पास पावर नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच की अगर हम मिसाल लें तो बाज दफा ऐसा कैप्टन होता है जो सिर्फ सिंबॉलिक होता है, उसके पास पावर नहीं होती, ही डज नॉट हैव एम्पल पावर टू गाइड और टू डायरेक्ट द टीम। और बाद सिचुएशन में जो टीम लीडर है, जो कैप्टन ऑफ द टीम है, वो बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। तो पोजीशन पावर कैन बी हाई और इट कैन बी लो, पोजीशन पावर इट कैन बी हाई और इट कैन बी लो। नाउ बेस्ड ऑन दीज थ्री डायमेंशंस ऑफ द सिचुएशन, लीडर मेंबर रिलेशन या गुड है या बैड है, टास्क या स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, पोजीशन पावर या हाई है या लो है, इसकी बेस पे अब ये क्या करते हैं, ये एक वर्क सिचुएशन का कॉम्बिनेशन डेवलप करते हैं ऑन अ स्केल ऑफ हाईली फेवरेबल एंड हाईली अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। नाउ व्हाट दे डू इज दे डिटरमिन हाईली फेवरेबल और हाईली अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। एक स्केल बनाते हैं हम जिसमें हम डिटरमिन करते हैं कि वर्क सिचुएशन फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी। तो बेसिकली वी हैव नाउ अ स्केल, एक्सट्रीम लेफ्ट पे हाईली फेवरेबल वर्क सिचुएशन है और एक्सट्रीम राइट पे सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट पे हाईली अनफेवरेबल है, दिस इज हाईली अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। और एक्सट्रीम राइट पे हमारे पास वी हैव हाईली फेवरेबल वर्क सिचुएशन, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दीज थ्री डायमेंशंस एंड टू एक्सट्रीम्स ऑफ ईच डायमेंशन, अगर आप इनके कॉम्बिनेशंस बनाएं तो हमारे पास कितनी किस्म की वर्क सिचुएशन आती हैं, हाउ मेनी वर्क सिचुएशन वी वुड हैव, टोटल ऑफ 8 वर्क सिचुएशंस।
हमारे पास टोटल आठ किस्म की वर्क सिचुएशंस आएंगी, वी विल बी हैविंग एट टाइप्स ऑफ वर्क सिचुएशंस, ठीक है, हाईली फेवरेबल, हाईली अनफेवरेबल। तो हमारे पास आठ किस्म की वर्क सिचुएशंस पैदा होंगी। ओके हियर, इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी बुक में नहीं ड्रॉ हुई भी। तो बेसिकली हमारे पास अब आठ किस्म की वर्क सिचुएशंस आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? फॉर एग्जांपल, एक एक्सट्रीम पे लीडर मेंबर रिलेशन बैड है, टास्क अनस्ट्रक्चर्ड है, और पोजीशन पावर जो है वो लो है या वीक है। पोजीशन पावर को वीक भी कहते हैं, लो भी कहते हैं। नाउ दैट इज हाईली अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। आप अगर इसे कॉम्बिनेशंस बनाएं, इफ यू मेक द कॉम्बिनेशंस, यू वुड सी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे पास। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, गुड स्ट्रक्चर्ड हाई, ये एक कॉम्बो है। गुड स्ट्रक्चर्ड लो, गुड अनस्ट्रक्चर्ड हाई, गुड अनस्ट्रक्चर्ड लो, बैड स्ट्रक्चर हाई, बैड स्ट्रक्चर लो, बैड अनस्ट्रक्चर्ड हाई एंड बैड अनस्ट्रक्चर्ड लो। इस तरह के टोटल एट कॉम्बोज बनते हैं। अगर आप इन सारी एक्सट्रीम्स के कॉम्बिनेशंस बनाएं तो यू विल गेट टोटल ऑफ एट कॉम्बिनेशंस। आपको आठ कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। पहला कॉम्बो है बैड स्ट्रक्चर्ड हाई, दरमियान वाले कॉम्बोज हमारे कंसर्न के नहीं है, और आखिरी हाईली फेवरेबल वर्क सिचुएशन कौन सी है, जहां पे लीडर मेंबर रिलेशन गुड है, जहां पे टास्क हाईली स्ट्रक्चर्ड है, और जहां पे पोजीशन पावर स्ट्रांग है या हाई है। ठीक है, दिस इज नोन एज अ हाईली फेवरेबल वर्क सिचुएशन एंड दिस इज नोन एज हाईली अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन। और बाकी छह कॉम्बिनेशन है वो दरमियान में, ठीक है, जो भी आपको बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैड अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बैड अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है मेरी? आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एकदम कनेक्शन लूज हो गया था। ओके, सो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सिचुएशंस आर देयर। इसी तरह गुड स्ट्रक्चर्ड, वीक, गुड स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, या गुड अनस्ट्रक्चर्ड पहले कर लें, अनस्ट्रक्चर्ड पहले कर, ठीक, दिस इज हाउ इट इज अनस्ट्रक्चर्ड। और इसी तरह गुड स्ट्रक्चर्ड वीक, ओके फाइन, ये आठ कॉम्बोज हैं, ठीक है। सो बैड अनस्ट्रक्चर्ड वीक, बैड अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रॉन्ग, बैड स्ट्रक्चर्ड वीक, बैड स्ट्रक्चर्ड स्ट्रॉन्ग, ये कॉम्बो समझ आ गए आपको? आठ के आठ। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ वर्क सिचुएशन। फीडलर मॉडल के मुताबिक वर्क सिचुएशन इज डिटरमिंड बाय थ्री डायमेंशंस। एक एक्सट्रीम पे वर्क सिचुएशन इज हाईली फेवरेबल, एक एक्सट्रीम पे वर्क सिचुएशन इज हाईली अनफेवरेबल। तो पहला काम किया फीडलर ने, फीडलर ने एलपीसी या एलएफसी, एलपीसी भी कहते हैं, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल भी है, एलएफसी लीस्ट फेवर्ड कोवर्कर स्केल भी है, दो नाम है इसके। तो फीडलर ने पहले पॉइंट पे उसने कहा कि हम एक सिस्टम उसने डेवलप किया, एक उसने क्वेश्चनेयर बनाया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये मालूम करते हैं कि इंडिविजुअल टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड। जब आपको पता लग गया कि इंडिविजुअल का बेसिक स्टाइल क्या है लीड करने का, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप वर्क सिचुएशन मालूम करते हैं। वर्क सिचुएशन के तीन फैक्टर्स हैं, लीडर मेंबर रिलेशनशिप, वेदर द लीडर इज लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड, लीडर मेंबर रिलेशनशिप जो है वो गुड होगा, और वेदर ही इज नॉट लाइक्ड बैड होगा। टास्क स्ट्रक्चर, वेदर द टास्क इज क्लियरली डिफाइंड, क्लियर गोल्स हैं, मेथड्स ऑफ वर्किंग क्लियर हैं, तो टास्क स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। और अगर टास्क आपका अनस्ट्रक्चर्ड है तो वो, या क्लियर नहीं है तो अनस्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। और पोजीशन पावर जो है लीडर की, यानी किस हद तक वो अपनी पावर को प्रैक्टिस कर सकता है इन गेटिंग द जॉब डन, उसका इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग है, यू सी।
So now this is, the work situation can be favorable or can be unfavorable or something in between. Here, this is favorable, unfavorable, this is favorable, and this is something in between. तो जब आप वर्क सिचुएशन भी मालूम कर लेते हैं, आपने लीडर का भी बेसिक स्टाइल मालूम कर लिया, अब तीसरा काम क्या है, टू मैच द स्टाइल विद द वर्क सिचुएशन. फीडलर के मुताबिक फेवरेबल वर्क सिचुएशन वो है जिसमें लीडर मेंबर रिलेशन गुड है, टास्क हाईली स्ट्रक्चर्ड है और पोजीशन पावर जो है वो स्ट्रांग है. यू सी, ये दीस थ्री पॉइंट्स आर रिलेटिंग टू दिस सेल, गुड रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर्ड टास्क एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशन पावर. ठीक है, इसे कहते हैं फेवरेबल वर्क सिचुएशन. और इसी तरह अगर अनफेवरेबल वर्क सिचुएशन देखी जाए तो लीडर मेंबर रिलेशन बैड है, टास्क अनस्ट्रक्चर्ड है और पोजिशन पावर भी वीक है. तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि विच स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव. तो फील्डर ने कहा कि ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर. वेन वर्क सिचुएशन इज फेवरेबल, टास्क ओरिएंटेड लीडर इज द मोस्ट इफेक्टिव वन. यानी जब वर्क सिचुएशन यहां पे होगी तो टास्क ओरिएंटेड लीडर मोस्ट इफेक्टिव होगा, वो लीडर जो टास्क फोकस्ड होगा. और दूसरी एक्सट्रीम, इफ द वर्क सिचुएशन इज हाईली अनफेवरेबल, अगर वर्क सिचुएशन हाईली अनफेवरेबल भी होगी तब भी टास्क ओरिएंटेड लीडर बेस्ट काम करेगा. व्हेन द वर्क सिचुएशन इज अनफेवरेबल, टास्क ओरिएंटेड लीडर वर्क्स द बेस्ट. व्हेन द सिचुएशन इज समवेयर इन बिटवीन, जब इन छह में से वर्क सिचुएशन किसी भी किस्म की होगी, व्हेन द वर्क सिचुएशन इज समवेयर इन बिटवीन, द वर्क सिचुएशन इन छह में से किसी में होगी तो फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो है वो बेस्ट काम करेगा. दैट वाज द आउटकम ऑफ फीडलर्स मॉडल. ये आउटकम था फीडलर का मॉडल का. ये जो रेड कलर के सेल्स हैं, यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड लीडर मोस्ट इफेक्टिव है और इन सेल्स के अंदर रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो है वो मोस्ट इफेक्टिव. दिस इज द आउटकम ऑफ द फीडलर्स मॉडल. तो फीडलर ने कहा था कि जब वर्क सिचुएशन फेवरेबल हो, हाईली फेवरेबल हो या हाईली अनफेवरेबल हो, तो टास्क ओरिएंटेड लीडर इज द मोस्ट इफेक्टिव वन. और जब वर्क सिचुएशन इंटरमीडिएट हो, दोनों के दरमियान हो, तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर वर्क्स द मोस्ट इफेक्टिव. फील्डर वाज द फर्स्ट मैनेजमेंट थियरिस्ट जिसने कॉन्टिंजेंसी थियरी प्रेजेंट की थी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीडरशिप. फील्डर से पहले यह काम किसी ने नहीं किया था. हाँ, लेकिन फील्डर की जो थियरी है वो वीक है एक पॉइंट पे. हाँ, एग्जैक्टली. अभी देखिए, हम सिर्फ व्हाट को डिफाइन कर रहे हैं, हाउ को डिफाइन नहीं कर रहे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि किसी काबिल दिमाग से ये सवाल आएगा. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. हमारा कंसर्न ये नहीं है कि टास्क ओरिएंटेड लीडर क्यों इफेक्टिव होगा. चलें, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन. ये वैसे हमारे इस थियरी के स्कोप से बाहर है. अगर हम इस थियरी को टोटैलिटी में पढ़े ना, उसमें फिर इस सवाल का भी जवाब दिया गया. देखें, जब लीडर मेंबर रिलेशन बैड होता है, जब टास्क अनस्ट्रक्चर्ड होता है और जब लीडर की जो पोजीशन है, इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन वीक होती है, तो लीडर फिर अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करता है, ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, अथॉरिटेटिव हो जाता है. जब लीडर मेंबर रिलेशन गुड है, लीडर को पता है कि लोग मेरी बात मानेंगे, मैं कुछ भी कहूंगा तो मानेंगे, टास्क वैसे ही स्ट्रक्चर्ड है, पता है क्या करना है, क्लैरिटी, और लीडर का इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग है, यहां पे भी लीडर अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करता है. जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, इन दोनों केसेस में लीडर अपनी अथॉरिटी की प्रैक्टिस बढ़ा देता है. लीडर इंक्रीजेस द अथॉरिटी प्रैक्टिस इन बोथ ऑफ दीज केसेस. यहाँ पे चूंकि लीडर को लगता है कि फॉर एग्जाम्पल टास्क लीडर मेंबर रिलेशन बैड है लेकिन लीडर का इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे लीडर फिर क्या करते हैं, रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करता है. या इसके बरक्स देखें, लीडर का जो रिलेशन है वो बेहतर है लेकिन लीडर का इन्फ्लुएंस वीक है, तो यहाँ पे भी लीडर जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर अथॉरिटी विल वर्क बेटर और दरमियान में कहीं आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ती है. यहाँ पे अथॉरिटी इसलिए बेहतर काम करेगी कि टास्क स्ट्रक्चर है, लीडर का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग है, और यहाँ पे अथॉरिटी इसलिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि टास्क आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, इन्फ्लुएंस आपका वीक है, तो आप अपनी पोजीशन पावर का इस्तेमाल करते हैं. यू विल यूज योर द पावर ऑफ योर अथॉरिटी. ठीक है ना. बट एनीवे, ये इट्स नॉट टू बी आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर फेनोमेना. आई एम ग्लैड यू पुट दिस क्वेश्चन. लेकिन आपका काम सिर्फ यही है कि आपको ये पता हो कि किस सिचुएशन में कौन सा स्टाइल ऑप्ट करेगा लीडर. फील्डर की थ्योरी जो है, इसमें एक नुकसान है, इसका एक ड्रॉबैक है. वो ड्रॉबैक ये है कि फील्डर के मुताबिक इंडिविजुअल लीडर्स जो हैं, दे आर ईदर टास्क ओरिएंटेड
और दे आर ईदर पीपल ओरिएंटेड बाय नेचर उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती एंड इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज देम. यानी अगर एक लीडर टास्क ओरिएंटेड प्रूव हुआ है तो उसके लिए आप सिचुएशन ही वो क्रिएट करेंगे जो या ये वाली होगी या ये वाली होगी. अ टास्क ओरिएंटेड लीडर विल नेवर चेंज हिज स्टाइल बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज सिचुएशंस. हर्शन ब्लैंकेट ने इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया था. हर्शन ब्लैंकेट ने कहा था कि सिचुएशन कोई भी हो लीडर को अपना स्टाइल भी चेंज करना आना चाहिए. फील्डर ने कहा था कि जो स्टाइल होता है वो बाय नेचर होता है. ट्रेड थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था. इन्होंने कहा था कि स्टाइल को आप चेंज नहीं कर सकते. सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड देयरफॉर असेस कि वर्क सिचुएशन फेवरेबल है अनफेवरेबल है या समवेयर इन बिटवीन एंड देन दे शुड ट्राई टू अपॉइंट अ लीडर with more appropriate style for the work situation. क्योंकि आप उसका स्टाइल नहीं चेंज कर सकते तो आप उसे वर्क सिचुएशन ही वो देंगे जिसमें वो स्टाइल मोस्ट इफेक्टिव होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट को ओवरकम किया था हर्शन ब्लैंकेट ने. अकॉर्डिंग टू फील्डर द स्टाइल ऑफ द लीडर वेदर इट इज टास्क ओरिएंटेड और वेदर इट इज पीपल या रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल चेंज नहीं हो सकता. द स्टाइल कैन नॉट बी चेंज्ड. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू विल अपॉइंट अ लीडर and you will measure his style and then you will give him appropriate work situation. aap use wo work situation denge jo uske style ko match karegi. you will give the leader the work situation that will match his or her style. now this was a drawback. ye is theory ka drawback tha aur isi drawback ko overcome phir kiya tha Hershey and Blanchard ne situational leadership theory present की थी 68 में. Hershey and Blanchard ने भी यही phenomena दिया था. इन्होंने भी कहा था कि leaders के different style होते हैं. Contingency theories का ना flow बड़ा same है. Fiedler समझ आ गया? Fiedler में कोई question तो नहीं? You can just note it down या आप screenshot ले लें इसका बेशक इस image का. We have three factors of work situation. Each factor has two extreme and then we have eight different types of work situation. And then we will make sure कि work situation अगर highly favorable है तो यहाँ पे भी task oriented leader will work the best और अगर work situation highly unfavorable है तो यहाँ पे भी task oriented leader works the best and somewhere in between यहाँ दरमियान में कहीं यहाँ पे relationship oriented leader जो है वो best काम करता है. यहाँ पे relationship oriented leader works the best. So that is the concept of Fiedler. Fiedler clear sir sabko? That's a very interesting theory. Aapki attempt ke liye 8th chapter mein se Fiedler ke upar question aane ke chances bade wasi hain. Fiedler BCBS mein kisi zamane mein test hui thi. Bmbs mein Fiedler ka model abhi tak test nahi kiya gaya. So in your attempt you should be looking forward to ki aapse examiner Fiedler pe question karenge. Okay? हर्शन ब्लैंकेट ने भी सेम कॉन्सेप्ट दिया था. हर्शन ब्लैंकेट ने भी कहा था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. हाँ लेकिन हर्शन ब्लैंकेट ने कुछ अजम्पशंस दी थी. हर्शन ब्लैंकेट ने कहा था कि लीडर शुड एडजस्ट हिज स्टाइल बेस्ड ऑन द वर्क सिचुएशन. नाउ दैट वाज समथिंग व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद फील्डर्स थ्योरी. लीडर मस्ट बी एबल टू यूज एनी स्टाइल एंड शुड स्विच फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर स्टाइल एज सर्कमस्टांसेस रिक्वायर. This is where Hershey and Blanchard disagreed with Fiedler. ये वो पॉइंट जहाँ पे Hershey and Blanchard ने Fiedler से disagree किया था कि Fiedler के मुताबिक style change नहीं हो सकता. Hershey and Blanchard ने कहा था नहीं ऐसा नहीं होता. Style change हो सकता है बल्कि काबिल leader होता ही वो है जो work situation के मुताबिक अपने आप अपने style को change करे. एक work situation require करती है कि आप directive style, authoritative style use करें. दूसरी वर्क सिचुएशन रिक्वायर करती है कि आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज करें. तो एक इंसान में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सिचुएशनल लेवल पे आके अपने स्टाइल को मोल्ड कर सके. एंड दैट इज वेयर दे डिसएग्रीड विद फील्डर. फील्डर डिड नॉट बिलीव दैट इंडिविजुअल कैन चेंज देयर स्टाइल बिकॉज उनके मुताबिक स्टाइल पर्सनल होता है, नेचुरल होता है, जो कि ट्रेड थ्योरीज का कॉन्सेप्ट है. यू सी इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू पिक एन इंडिविजुअल who could bring the most suitable style to the job. Well, yes, ek har insaan ka ek natural style to hota hi hai. But it does not mean ki you cannot change it. You have to change it. You have to, exactly, kuch had tak, to some extent. Everybody has a natural style. Mera apna ek natural style hai lead karne ka, sikhane ka, batane ka.
किसी हर इंसान का अपना एक अलग स्टाइल होता है. आप इस वक्त माशाल्लाह तीन डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं, यू शुड बी नोइंग वेरी वेल कि किस टीचर का क्या स्टाइल है, कौन सा टीचर कितना इन्वॉल्व होता है आपके साथ, कौन सा टीचर आपके पर्सनल लेवल पे आके डिस्कशन करता है आपसे. नेचुरल स्टाइल हर एक का होता है, बट इट डज नॉट मीन. हर्शियन ब्लैंकेट ने इससे एक कदम आगे जाके बात की थी. हर्शियन ब्लैंकेट ने यह कहा था कि ओके फाइन एग्रीड एवरीबडी हैज अ नेचुरल स्टाइल, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एबल टू चेंज दैट स्टाइल. आप किस हद तक वो स्टाइल चेंज करने के लिए तैयार हैं, दैट इज वेयर हर्शियन ब्लैंकेट केम इन टू प्ले एंड दैट इज वेयर द हर्शियन ब्लैंकेट प्रोवाइडेड देयर थिंग. तो हर्शियन ब्लैंकेट ने कहा था कि अच्छा, इन्होंने कहा था वर्क सिचुएशन डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे. इन्होंने कहा था वर्क सिचुएशन के तीन फैक्टर्स हैं, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर. हर्शियन ब्लैंकेट के मुताबिक वर्क सिचुएशन सिर्फ एक मेन फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो है आपके सबॉर्डिनेट की डेवलपमेंट. सबॉर्डिनेट के तीन लेवल्स होते हैं डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कितने मैच्योर हैं इसे इस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, सम सबॉर्डिनेट्स आर मोर साइकोलॉजिकली मैच्योर देन अदर्स, सम सबॉर्डिनेट्स आर मोर प्रैक्टिकली कॉग्निटिवली मैच्योर एक्सपीरियंस देन अदर्स. इसी कुछ लोग साइकोलॉजिकली ज्यादा मैच्योर हैं. यहाँ पे इन्होंने एक थ्री सी मॉडल दिया था. इन्होंने कहा था कि सबॉर्डिनेट्स की जो मैच्योरिटी है उसको मेजर करने का एक मॉडल है जिसे थ्री सी मॉडल कहते हैं, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट. ये थ्री सी मॉडल है. टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स दे प्रोवाइडेड अ थ्री सी मॉडल. इसे थ्री सी मॉडल कहते हैं. थ्री सी मॉडल इज कॉम्पिटेंस, कितना कॉम्पिटेंट है, कितना कॉन्फिडेंट है और कितना कमिटेड है. कॉम्पिटेंस को नाम दिया था जॉब मैच्योरिटी का, कॉन्फिडेंस को नाम दिया था कॉग्निटिव मैच्योरिटी का. यहाँ पे नाम लिखा नहीं हुआ, यू कैन राइट इट डाउन, कॉग्निटिव मैच्योरिटी. इसे कहते हैं कॉग्निटिव मैच्योरिटी, दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज कॉग्निटिव मैच्योरिटी. और कमिटमेंट, कमिटमेंट को नाम दिया था साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी. कलेक्टिवली हम इन तीनों टाइप्स ऑफ मैच्योरिटीज को कहते हैं फंक्शनिंग मैच्योरिटी. फंक्शनिंग मैच्योरिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सीज, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट. कॉम्पिटेंस इज जॉब मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस इज कॉग्निटिव मैच्योरिटी, सेल्फ एफिकेसी वाला कॉन्सेप्ट है. आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक टास्क को चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं. और कमिटमेंट इज योर साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी. Collectively, all these three maturities are named as functioning maturity of subordinate. तो हर्शियन ब्लैंकेट के मुताबिक सबसे पहले आपको पता हो कि लीडर का स्टाइल क्या है, स्टाइल, और फिर आपको पता हो कि सबॉर्डिनेट का लेवल ऑफ मेच्योरिटी क्या है, एंड देन यू हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर. देन यू हैव टू जस्ट ब्रिंग देम टुगेदर एंड यू हैव टू सी दैट विच स्टाइल सूट्स विच टाइप ऑफ फंक्शनिंग मेच्योरिटी ऑफ सबॉर्डिनेट. तो लीडर के अंदर दो चीजें, अगेन वही डायमेंशन सेम रहेंगी, डायरेक्टिव अथॉरिटी and supportive authority. Directive authority is similar to concern for task and supportive authority similar to concern for people. Blake and Mouton wali dimensions ka concept hai. Directive authority ke andar aap guidance dete hain, directions dete hain, order dete hain, aur supportive activity ya supportive authority ke andar aap emotional aur social support dete hain subordinate ko, concern for people high kar dete hain, relationship oriented ho jate hain. You can say that ke directive activity is task oriented and supportive activity is relationship oriented. हम इसे उस तरह भी कह सकते हैं कि directive activity is task oriented and supportive activity is our relationship oriented. So the amount of the involvement of leader in directive or supportive activity can be low or can be high, can range from low to high. इसी और इसकी बेस पे हम चार किस्म के styles बनाते हैं. This is a very important table. इधर सपोर्टिव एक्टिविटी है फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप, इधर डायरेक्टिव है फोकसिंग ऑन टास्क. टास्क ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड, सेम कॉन्सेप्ट. टास्क ओरिएंटेड हाई है, पीपल ओरिएंटेड लो है, टेलिंग स्टाइल, डायरेक्टिव स्टाइल आ जाता है. टास्क ओरिएंटेड भी हाई है, पीपल ओरिएंटेड भी हाई है, सेलिंग स्टाइल. ये सारे स्टाइल अगेन एशरिज का मॉडल ज़ेहन में लेके आए तो इस सारे स्टाइल हमने वहां पढ़े. टास्क ओरिएंटेड लो है, पीपल ओरिएंटेड हाई है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल. और टास्क ओरिएंटेड भी लो है, पीपल ओरिएंटेड भी लो है, डेलीगेटिंग स्टाइल, डिसीजन मेकिंग सबॉर्डिनेट्स को दे देना, टू गिव डिसीजन मेकिंग टू द सबॉर्डिनेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्शियन ब्लैंकेट ने कहा, अगेन एसएलटी के लिए, देखिए एसएलटी के लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है.
number one, you need what is the style of the leader, and number two, you need which are the factors of work situation. Flow dono theories ka bilkul same hai. Usne bhi, Fiedler ne bhi, pehle measure kiya style of the leader, phir usne measure ki work situation, aur phir usne match kar diya work situation ko style ke saath. Ye bhi same kaam kar rahe hain. Pehle inhone measure ki work situation, the first measure work situation depending upon the subordinate's functioning maturity. Then they determined the style of the leader based on two dimensions, directive activity and supportive activity. And then they made different types of style, 2x2 matrix mein. Hershey and Blanchard ne kaha ke effective leadership style varies with work situation, which depends on maturity of subordinates of the team members. Subordinates kitne mature hain, is pe depend karega aapka style. To unhone kaha char kisam ke styles hote hain, aur ye char styles hain. Ab aap telling kab use karenge, selling kab use karenge, participating kab use karenge, aur delegating kab use karenge, that depends on the work situation. Hershey and Blanchard pe do sawal aa chuke hain abhi tak paper mein. Ek question aaya paper mein, examiner ne ye characteristics ki statement, yahan se statements di bhi thi, aur simple pucha tha, bataen kaun sa style use kar raha hai leader, telling hai, selling hai. 4 marks ka question tha, 4 statements thi aur aapne 4 styles batane the. Fir ek question aaya, situations di gayi, scenarios diye gaye, scenarios diye gaye, bataya gaya hai aur pucha gaya, bataen kaun sa style use kar raha hai aur usko explain bhi karna hai. Ye 8 marks ka question tha. To abhi tak Hershey and Blanchard ke upar do sawal aa chuke hain. Kab kab aaya hai, if I can just show you, Hershey and Blanchard ke upar अभी तक, here ये देखें question number, अभी तो recently आया है, 3 का part A था September में, और इससे पहले 5 का part, तो consecutive 2 attempts में सवाल आ चुका है इसके ऊपर, देख रहे हैं आप, उससे पहले भी आ चुका है question number 3 भी आ चुका है. चलें ये question जो recent है ये अभी देख लेते हैं, just for the sake of understanding. एक दफा September में आया और एक दफा March में आया, क्योंकि paper सामने खुला हुआ है मेरे पास, तो देख लेते हैं. Question number, okay, now see. 3 नंबर का सवाल है. Suggest and briefly discuss the leadership style that is likely to be most effective in an organization where subordinates have high level of competence with variable level of commitment. 3 नंबर का सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक स्टाइल अभी डिस्कस करते हैं, सबऑर्डिनेट की फंक्शनिंग मैच्योरिटी, कॉम्पिटेंस हाई हो और कमिटमेंट वेरिएबल हो. बल्कि पहले पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. लेट्स फर्स्ट रीड इट. ओके फाइन. तो ये देखें, टेलिंग स्टाइल कब यूज करते हैं, लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट. जॉब मैच्योरिटी लो है लेकिन साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी हाई है. टास्क फोकस ज्यादा होगा, लो रिलेशनशिप फोकस होगा. लीडर डिफाइंस द रोल एंड टास्क ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड सुपरवाइजेस देम क्लोजली. डिसीजंस आर अनाउंस्ड बाय द लीडर. कम्युनिकेशन वन वे होती है. सारी टेलिंग स्टाइल हम पहले पढ़ के आ चुके हैं. जो हमने एशरिज मॉडल का टेल पढ़ा था, टेलिंग स्टाइल पढ़ा था, सेम वही फीचर्स है. Leader is practicing his authority. Task focused ज्यादा है, people focused कम है. Leader खुद define करता है roles को, responsibilities को. Close supervision होती है. Decisions are announced by the leader. Selling style में क्या होता है, some competence, some commitment. Note करें, इसमें से हमने confidence minus कर दी है. 3C model में इसमें से हमने confidence को minus कर दी, क्योंकि ये understood है कि cognitive maturity by default होगी. किसी भी सिचुएशन में अगर कॉग्निटिव मेजोरिटी नहीं है, फिर आपको पहले उसे मोटिवेट करना पड़ेगा. देन दैट्स नॉट अ कंसर्न ऑफ लीडरशिप, दैट्स अ कंसर्न ऑफ मोटिवेशन. सो कॉग्निटिव मेजोरिटी जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सब में मौजूद है. दैट्स व्हाई हम सिर्फ 2 सीज की बात कर रहे हैं. हमने कॉन्फिडेंस को यहां से माइनस कर दिया, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कॉग्निटिव मेजोरिटी, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एफिकेसी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ एफिकेसी, दैट बिकम्स अ कंसर्न ऑफ मोटिवेशन, नॉट लीडरशिप. दैट्स व्हाई. तो जॉब मैच्योरिटी हाई है, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी लो है. टेलिंग जॉब मैच्योरिटी, कुछ जॉब मैच्योरिटी है, कुछ साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है. सेलिंग हाई टास्क फोकस, हाई पीपल फोकस, दोनों में हाई हो जाएगा, सेलिंग आ जाएगा यहाँ पे. हियर लीडर मेक्स द डिसीजन, एक्सप्लेन देम टू सबऑर्डिनेट एंड गिव अपॉर्चुनिटीज टू आस्क क्वेश्चन. सेम कॉन्सेप्ट हमने सेलिंग में पढ़ा था. लीडर डिसीजन लेता है, अनाउंस करता है, क्वेश्चन इन्वाइट करता है. टू वे कम्युनिकेशन होती है. Subordinates may need direction because they are inexperienced. You see, competence कम है, some competence, inexperienced.
दे ऑल्सो नीड सपोर्ट एंड प्रेज फ्रॉम द लीडर, क्योंकि कमिटमेंट भी उनकी थोड़ी सी वीक है. पार्टिसिपेटिंग, हाई कॉम्पिटेंस आता है सब कुछ, वेरिएबल कमिटमेंट, साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी कम है, वेरिएबल है. ये पार्टिसिपेटिंग स्टाइल पूछा गया था. तो इस क्वेश्चन में जो भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, ये हाई कॉम्पिटेंस वेरिएबल कमिटमेंट, दैट इज पार्टिसिपेटिंग स्टाइल. पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या होता है, लो टास्क फोकस. अब क्योंकि आपको पता है कि सबॉर्डिनेट एक्सपीरियंस्ड है, आता है, तो आप टास्क फोकस कम कर देते हैं. हाई रिलेशनशिप फोकस, अब आप अपना रिलेशनशिप फोकस बढ़ा देते हैं. डेलीगेट करते हैं सम डे टू डे डिसीजंस को सबॉर्डिनेट्स की तरफ. लीडर फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को, डिस्कस करता है डिसीजन को. सबॉर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट इन देयर वर्क, जॉब मेच्योरिटी इज वेरी हाई, बट लैक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी वीक होती है. सो सम सपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड देयर कमिटमेंट, दे नीड सम सपोर्ट. एंड देन वी हैव डेलीगेटिंग. डेलीगेटिंग में अब कॉम्पिटेंस भी हाई है, कमिटमेंट भी हाई है. दिस इज वेयर यू विल नाउ गिव देम द कंप्लीट अथॉरिटी टू मेक डिसीजन. डिस्कशन में इन्वॉल्व करके आप सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल दे देते हैं कि सबॉर्डिनेट्स खुद डिसीजन मेकिंग करें. सबॉर्डिनेट्स विल देन डिसाइड हाउ एंड व्हेन द लीडर विल बी इन्वॉल्व. ये एग्जैक्टली लेसेज फेयर स्टाइल हो सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि लेसेज फेयर में सबॉर्डिनेट्स अगर कॉम्पिटेंट या कमिटेड नहीं है तो प्रॉब्लम पैदा हो जाती. हम डेलीगेट करते ही तब हैं जब हमें लगे कि हमारे सबॉर्डिनेट्स इतने काबिल हैं कि वो खुद काम करेंगे. We will only delegate when we believe that our subordinates are committed and competent enough to take the task along. हमें पता है कि वो गलती नहीं करेंगे, हमें पता है कि वो सारा काम खुद करेंगे, तभी हम delegate करते हैं. So subordinate can do their work by themselves without little support. तो एक तो ये तीन नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया था इसमें से, हर्शन ब्लैंकेट में से, जॉन अडेयर, अभी हमने आगे पढ़ना है. 11 मार्क्स आए थे जॉन अडेयर में से, ये मैंने आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है. So three marks were there from this attempt. मार्च में आ जाए, मार्च में भी क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा ही था इसके ऊपर. हाँ एग्जैक्टली, ये देखिए मार्च में कौन सा क्वेश्चन था, फाइव, फाइव का पार्ट ए था, क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट ए था. ओके, छह नंबर का सवाल है. देर इज नो डिफाइंड बेस्ट वे ऑफ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन. Now this sentence is telling you कि हम बात कर रहे हैं contingency theory की. Leader need to be adaptive and their optimal course of action is contingent upon the situation. Discuss the circumstances under which leader should adopt telling and participative. तो telling style, अब ये एक बड़ा interesting question. देखिए इसमें उसने theory का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पहला जुमला पढ़ के पता लग गया कि ये कॉन्टिंजेंसी थ्योरी की बात हो रही है. तो आपने एशरिज का मॉडल डिस्कार्ड कर दिया, लाइकर्ट का मॉडल डिस्कार्ड कर दिया, आपने सारी स्टाइल थ्योरीज माइनस कर दी. ये भी इस तरह का सवाल भी आता है, छह नंबर का सवाल है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं टेलिंग स्टाइल कब यूज करेगा, पार्टिसिपेटिव स्टाइल कब यूज करेगा. तो यू हैव टू आंसर इट फ्रॉम हेयर. दिस इज द आंसर. टेलिंग स्टाइल यूज करेगा जब लो कॉन्फिडेंस होगी और हाई कमिटमेंट होगी, और आपने ये पूरा करेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन करने. और पार्टिसिपेटिंग स्टाइल कब यूज करेगा, जब हाई कॉम्पिटेंस होगी और वेरिएबल कमिटमेंट होगी, और यू आपने यू हैव टू एक्सप्लेन द होल पैराग्राफ ऑफ द की फीचर्स और द की कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस. क्लियर? तो एक ये क्वेश्चन, तीन सवाल आ चुके हैं SLT में से अभी तक SLT में से तीन सवाल आ चुके हैं. और फिर ये क्वेश्चन नंबर थ्री आया था, दैट वॉज इन सितंबर 2016 में आया था. चलें इसको भी देख लेते हैं. ये है जी सितंबर का पेपर 2016 का, और इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री था पेपर में. ये सिचुएशंस दी जा रही है, छह नंबर का सवाल है. सिचुएशंस दी जा रही है और पूछा जा रहा है बताएं हर्शियन ब्लैंकेट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टाइल लीडर यूज करेगा, ठीक है, और कौन सा स्टाइल मोस्ट इफेक्टिव होगा. ओके, सलमान डेलीगेट सम डे टू डे डिसीजंस टू सबॉर्डिनेट्स. He also facilitates and participates in discussion about some of the decisions with subordinates who are competent but lack psychological confidence. आप गौर फरमाएं तो उसने पूरा पैराग्राफ ये वाला उठाया है, ये देख रहे हैं. Delegates यहाँ से, delegates day to day decision, facilitate and participate in discussion
सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट बट लैक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस. देख रहे हैं पूरा पैरा यहां से उठाया हुआ है, तो ये पार्टिसिपेटिंग स्टाइल यूज करेगा, दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग स्टाइल. अहमद डिफाइंस द रोल एंड टास्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस देम क्लोजली. यू सी ये है टेलिंग स्टाइल. हियर डिफाइंस द रोल, देख रहे हैं पूरा जुमला ये वाला उठाया हुआ है. डिसीजंस आर अनाउंस्ड बाय अहमद, डिसीजन भी खुद अनाउंस करता है, ठीक है. Most of communication is downward, so that is telling style. Hamid is involved in discussion about problem solving and decision making, but control mostly vests with subordinates. Delegating style. Subordinates can perform their work with little support. They refer to him only when they consider it necessary. ये है delegating style. Here, ये देखें word to word उसने ये वाले paragraphs copy किए हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कशन, तो ये डेलीगेटिंग स्टाइल है. और उसके बाद बशीर डिफाइन द रोल एंड टास्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स, एट टाइम्स ही सीक्स आइडियाज एंड सजेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, हाउएवर ही मेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन बट सपोर्ट एंड प्रेजेस द सबऑर्डिनेट्स टू बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम. ये है सेलिंग स्टाइल. वो पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें अप्रोप्रिएट स्टाइल को और ये भी बताएं कि वेन दी स्टाइल वुड बी मोस्ट इफेक्टिव. तो बेसिकली इस टेबल में से उसने आपको दरमियान वाला कॉलम दे दिया है, आपसे पहला और तीसरा कॉलम मांग रहा है क्वेश्चन में. गॉट इट? देख रहे हैं उसने आपको ये वाला कॉलम दे दिया, करैक्टरिस्टिक्स बता दिए, आपसे पूछ रहा है कि स्टाइल कौन सा है और कब इफेक्टिव. तो आपने ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम रिप्रोड्यूस करना है. तो पहली सिचुएशन में टेलिंग स्टाइल है फॉर एग्जाम्पल, और लो कॉन्फिडेंस हाई कमिटमेंट, फिर सेलिंग और उसके कब इफेक्टिव होता है. So when you are given this type of a question, be very careful and very clear. तो ये एक दफा, और इसके अलावा एक दफा question तो ये थे. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ. Okay, और पीछे move कर, पहले भी आ चुका हूँ. So this is how it works. This is how it works. Got it? So ye hai ji hamari theory Hershey and Blanket ki. And that would be all for today. Kal hum handy best fit padke, kal hum inshallah leadership qualities ke models pe jump kar jayenge. Part B ka test aaj upload ho jayega inshallah. Maine usse keh diya hai Numan ko. He will upload it today aur uska time Saturday tak hoga inshallah. Kal aapka half chapter ka test scheduled hai, 7 chapter ka aadha, aur aadha uska jumme ko hoga. Theek hai ji? तो ये दो टेस्ट इंशाल्लाह आपके स्केड्यूल्ड हैं, एक कल और एक फ्राइडे को, ठीक है ना? हाँ जी एग्जैक्टली पेज नंबर 164 तक, और उसके बाद फिर फर्दर. ओके जी, देन सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.